वासन भाई, मोहसिन आज फिर ले। मोहसिन भाई कोई बात नहीं, आज मैं होस्ट कर लूँगा मिस्टर डी, तो आप क्या लगता है मैं कर लूँ होस्ट? आप चाहते हैं? मैंने पब्लिक को बोला, मैंने आवाज लगाई मोहसिन मोहसिन, फिर उन्होंने आवाज लगाना शुरू किया। अच्छा अच्छा, आप खुल कैसे गए? मैं तो मान के आया था। अरे थोड़ा सा लेट हो गया, आप मेरी जगह लेना चाहते थे, आज खुलकर सामने आ गए आप हैं। आप देखे नए बच्चों को चांस दे ताकि वो भी अच्छा खेले। बच्चे तो बच्चे हैं आप, तो आप वैसे इकट्ठे कुट्ठे हुए हैं, आप बच्चे नहीं है भाई, शर्म करें कुछ आप। हर बंदा अपने माँ बाप का बच्चा होता है, मैं भी बच्चा हूँ। चले कोई बात नहीं, ये बताएं। Well, well, well. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the show. Show का नाम है What the? क्या? Perfect, perfect. क्या? Yeah? What the? Fun. Fun. Okay, so, भाई मियाँ, जी, बहू, जी, के मामले में ये मानना है कि बहू अगर पत्थर की भी हो ना, मुंह जरूर चढ़ाती है, और अगर सास लकड़ी की भी हो, तो हर मामले में टांग जरूर चढ़ाती है। Exactly. Mr. D, इस दुनिया में, हम सबको खवातीन पसंद है, मुझे पसंद है। एक्चुअली बहुत पसंद है। आपको पसंद है? मुझे लड़कियां पसंद है। आए इस मौजू पे बात करते हैं। देखिए आप ना, मिस्टर डी इस मौजू पे बात करते हैं। अच्छा इसको खोले ताकि मैं आज आपकी तलाक करा के जाऊंगा यार। अच्छा लड़कियां पसंद है आपको? बच्चियां हैं छोटी वाली। शो बंद करो, अपनी बेटी की बात कर रहे हैं। हाँ, बच्चे पसंद है। हाँ, बच्ची, हाँ, होते हैं, मासूम होते हैं। हाँ, जन्नत के परिंदे। यस यस, फूल होते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि इस दुनिया में हाँ, औरत को सिर्फ औरत ही है जो ना पसंद कर रही है, मर्द बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये है तो है। ओके, सो बेसिकली आज आपको पता चल गया होगा कि आज का जो ये महायुद्ध होने वाला है, ये सास और बहुओं के माँ बहन होने जा रहा है। सो सबसे पहले हम बिना वक्त को मजीद जाया करे सहमत देते हैं। और ये वो युद्ध है जो सदियों से चला आ रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ टॉम एंड जेरी से भी ज्यादा लड़ाकू सर, बहुत ज्यादा है ना। लेकिन बहुत प्यारा रिश्ता है, अगर बन जाए इनकी तो बड़ा हसीन भी हो सकता है ये। तो आए देखते हैं, सबसे पहले दावत देते हैं टीम सास को। पूरी एंट्री है। पायला दूं सासुमा कैसन है? अरे बढ़िया है, बढ़िया। हम तो बढ़िया है। नहीं भाई, अरे मिलो ना, बड़ों से सलाम लेते हैं। अरे बीच में मिसेस खान भी है यार। ये आपसे मिलना चाहते थे। आपको तो पता नहीं कहाँ आवाज आ रही थी, ऊपर से अंदर से दुश्मन। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और इंशाल्लाह एंड तक आपको पता लग जाएगा। मैं भी करता हूँ, मेरा भी बताओ, तुम आओगे क्या? ये देखिए खुश रहिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया। जीते रहो, समझ रहे हो? ये पहले आप समझ रहे हो? डील पक्की कर ली, समझ रहे हो? वेलकम टू द शो, शो का नाम है व्हाट द फन, और आप हमारी सासुमाओं के रूप में पधार चुकी हैं, और अब उनका सामना होने वाला है जिनको आप बिल्कुल देखना नहीं चाहती। आई नो, लेकिन हम बुला कर रहेंगे मिस्टर डी। अच्छा जी, जो अब हमारी दूसरी टीम आ रही है वो है टीम बहू। बहू बहू नाचने का सीन है। ये मिस्टर सान रिश्ते आपने करवाए? थैंक गॉड। अच्छा, तो आपकी बहू कौन सी? इधर तो आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपकी सारी बहनों की शादी हुई, कोई बाकी है? आपको चाहिए कोई? नहीं, मोहसिन भाई बोलो। कहो हां, अरे कहो हां। इतनी बड़ी नहीं है ना कोई बहन? उनकी सारी बहनों करीब बड़ी हो गई है। तो सारी बड़ी हो गई है तो इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम।
ईशा शो का पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉप रिस्पॉन्स। ओके सो खवातीन, टॉप रिस्पॉन्स में होने के जा रहा है कि आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पे कुछ सवाल आएंगे और आपको उनके जवाब देने होंगे। जिससे सवाल किया जाएगा वही जवाब देगा, दूसरा कोई बंदा उसका जवाब नहीं दे सकता और आप आपस में मुशावरत भी नहीं कर सकते, वरना पॉइंट कट जाएंगे, वरना पॉइंट कट जाएंगे। ओके सो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं टीम बहु से, आपकी इजाजत से, है ना, बच्चियां हैं इनसे। टीम बहु से आगाज करने जा रहे हैं और आपका टॉप रिस्पॉन्स का पहला सवाल रहा ये, वो कौन सा काम है जो बेटा बहू सास से छुपकर करते हैं? आउटिंग पर जाना। आउटिंग पर जाना समटाइम। ऐसा कौन सा काम है जो बेटा और बहू सासू माँ से छुपकर करते हैं? रात को बाहर निकलना। रात को, सिर्फ आउटिंग नहीं, इट्स रात को बाहर निकलना। वो कौन सा काम है जो आप और आपके हस्बैंड सासू माँ से छुपके करते हैं? नहीं वो वाला नहीं, मतलब नहीं यार, मतलब ये ससुराल में ये गंदे लोग हैं, हम इनसे बात नहीं करते, ये गंदे। शॉपिंग करना ऑफ कोर्स, शॉपिंग करना मिस्टर डी, ये क्या जवाब है इसका? शॉपिंग भी होती है छुपके, हां सासू मां से छुपके शॉपिंग करना ताकि अम्मी को पता ना चल जाए, अम्मी भी ना फटीक डाल दे कोई। इट्स ओके अभी बहुत बहुत खेल बाकी है, कोई बात नहीं। यस मैम, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा काम है जो बहू इनसे छुपके करती है? बहुत सारे काम है वैसे तो, लेकिन मेरा ख्याल है आपसे मुझे डर है आप वो वाला काम बता देंगी, है ना? थोड़ा अपने आप से बहुत काम बता। नहीं नहीं, मैं बता सकती, मैं थोड़ा सा कवर करके बता। नहीं नहीं, शो भी हमारा बैन करवाएंगे क्या? कवर करके बताऊं, कवर करके बताऊं। हमारा आप तो काम बता देंगे, यह काम हो जाएगा। मुझे लगता है रात को जो बेटा छुपके करता है वो होती है बहू की तारीफ। बहू की तारीफ, बहू जो है, बहू वो जो है बेटे की बुराई नहीं कर सकती। बहू की तारीफ, ओके लेट्स सी। बहुत सोच समझ के अब जवाब दीजिएगा जोक से पार्ट, क्योंकि आपके बहुत से जवाब गलत होने शुरू हो गए हैं और अगर आप ना जीत पाए तो बहुत मसला हो जाएगा। वो कौन सा काम है जो बेटा और बहू सासू माँ से छुप छुपा कर रहे हो? रात को खाना लेकर आना छुपकर से। हाँ बिल्कुल ठीक है, खाने की कोई चीज लेकर आना और अम्मी से छुपा करके ले जाना कमरे में, जंक फूड लेकर आना। को पता है मेरी कमजोरी है यार फिर। यस मैम, आपको क्या लगता है क्या कर रही हैं आजकल आप छुप के सासू मां से? मैं तो खिदमत करती हूं सास है। ये स्टाइल से ये देखे, ये तंजिया जो हंसी है ना वो बस यही होता है हमारे साथ, घर पे भी यही होता है। बात ही हंसने वाली थी। अब तक के मिस्टर डी के पूरे करियर की सारी पंच लाइंस एक तरफ और आपकी ये पंच लाइन एक तरफ। चलिए बताइए ऐसा कौन सा आपको लगता है खिदमत? Let's see if it's there or not. Let's see. जी मेरा बच्चा, आप बताओ मेरा बेटा, आप बताओ आपको क्या लगता है काके? बाहर घूमना वो तो बता दिया था, वो आप ही ने बताया था शायद। नहीं हमने बताया था, इन्होंने बताया था, कोई और नहीं। Come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5 बाहर खाना खाना, 4 खाना खाने जाना। आई थिंक इससे मिलता जुलता होगा लेकिन चलें, लेट्स गिव इट अ चांस। यस मैम, मैं तो जो है ना दवाई के बहाने, हॉस्पिटल के बहाने जो है लॉन्ग ड्राइव पे जा सकती हूँ। आज के बाद नहीं जाएंगी आप, क्योंकि आपके कैमरे पे बात कर दी आपने। दवाई वाली बात तो वही क्लियर। भाई लॉन्ग ड्राइव पे जाना, क्या हमारा सर्वे? ओ यही तो सारे काम होते हैं, ये क्यों गलत है मुझे बता दें। अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि जो हमारे पास है जो सर्वे ने बताया वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आपका आखिरी सारा नकल कर रही है। नकल कर रही हो सारा, आप कहिए सहारा। एक दूसरे को गिफ्ट देना छुपा कर अपनी सास से। ओके लेट्स सी, हाँ ये उसी से मिलता जुलता है लेकिन चले।
रहा है okay. ये पब्लिक भी नहीं, वो पब्लिक भी साथ लेके है ना। हाँ, ये दोनों तरफ एमसीआर भी काबू में है इनके। क्या सीन है इनका, ये बेटी बेटी तो नहीं है मालिक की, पता नहीं चैनल के मालिक की बेटी तो नहीं है। बट एनीवेज ओके, सो टॉप रिस्पॉन्स में कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सके ये लोग। हाँ, 60 का मार्जिन था इनके पास, लेकिन ये सिर्फ 30 रन बना सके हैं, तो बुरा स्कोर पाकिस्तानी टीम की तरह। लेकिन हम आई होप के इसको आप लोग कवर अप कर लेंगे। बेसिकली टॉप रिस्पॉन्स में आप लोग 30 रन जोड़ पाए हैं, जो कि बहुत बुरा टोटल है। आई होप कि आप अच्छा कमबैक करेंगे, अभी बहुत गेम बाकी है, अभी पूरा शो बाकी है। क्या आप तैयार हैं? बल्कि आपकी इजाजत है, बिल्कुल क्या हम आगे बढ़े? ओके, सो सासू माओं के लिए हमारा पहला सवाल ये रहा, रिश्ते के वक्त सास जब बहू ढूंढने जाती है तो वो बहू में क्या देखती है? सबसे पहले उसकी अपीयरेंस, उसके बाद उसके रंग। एक चीज बताएं, हो सकता है आगे भी हो ना। हाँ, अच्छा, सब कुछ आप बता देंगे तो ये बताएंगे। नहीं नहीं, उसकी खूबसूरती, उसका रंग रूप, ज़ाहरी खूबसूरती, उसका चाल ढाल, उसका रंग रूप, उसकी एक्सपीरियंस है ना। हाँ, मुझे लगता है कि वैसे हाँ ये इनको जीतना चाहिए। मिस खान, आपको क्या लगता है, मिस खान के क्या देखती है सासू माँ पहले? रंग रूप तो होता है और स्टेटस इज वेरी नेसेसरी। जबंटूज रोकड़ा मांगता अपने को, रोकड़ा। यस, मैं लड़की से बात करना चाहूंगा कि फेसबुक पे स्टेटस लगाने के बाद ना अपना स्टेटस, आपने अपना स्टेटस बढ़ाओ जो। यस मैम, आपको क्या लगता है? एजुकेशन, फाइनली अ गुड आंसर। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। बहुत ही उम्दा बात, बहुत ही अच्छी बात सर। हैट्रिक, 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 डूब के मर जाओ। हैट्रिक कर ली उन्होंने, उन्होंने पहले 3 बॉलों पे ही मैच ड्रॉ कर दिया। खाली आप लोग सियासत में लगे ना, मैं शोर को यूज करने वो देखो कहाँ निकल गए। आपको क्या लगता है कि रिश्ता देखने जब जाती है सासू माँ, तो वो क्या देखती है बहू? सलीका। सलीका, कितनी सुगढ़ है हमारी होने वाली बहू। लेट्स सी इफ दे आर ऑर नॉट। We are experienced. Oh my God. देखो क्या हो गया उधर? हार गए अभी से। हम भी जब सास बनेंगे ना, हम भी जीतेंगे। Let's play. हम भी सास निकली बहू। ये बहुत बहुत बुरा कमबैक था, बहुत लेम कमबैक था ये वाला। जब जिस जगह पे वहां चलो जीत लें आप पहले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वैसे तो जीत चुके हैं, अब आपको वैसे जरा जहमत दे रहे हैं। आपको क्या लगता कि रिश्ता देखने जब जाती है सासू माँ, तो क्या देखती है? फैमिली की प्रेजेंटेशन और फैमिली का एटीट्यूड। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, क्योंकि शादी 2 खानदानों के बीच में होती है, तो वो पूरी फैमिली कैसा बिहेव करती है वो देखना बहुत जरूरी है। लेट्स सी इफ इट्स देयर ऑर नॉट। मिस्टर जी, आपको मोइन खान साहब एक शॉट खेला करते थे, आधी पिच में आ जाते थे बॉलर जब चलना शुरू करता था, और ये समझ रहे हैं आप, ये बॉल ही इन्होंने हरकत की है। यस मैम, आपको क्या लगता है कि जब आप रिश्ता देखने गई थी तो आपने क्या देखा? अपना नहीं, एजुकेशन, स्टेटस एंड ऑफ कोर्स देन कम्स शक्ल सूरत। ये तो हो गया, ये तीनों हो गए। एक और जवाब अच्छा सा दे दें। उसका पहनना ओढ़ना, पहनना ओढ़ना वो भी हो गया ना। नहीं, हाँ। सलीका वही पहनना ओढ़ना हो गया। नहीं, नहीं, सलीका नहीं, मतलब यार सलीका रख रखाओ। मिस्टर आप बिना फुआड़ी हैं। पहनना ओढ़ना कैसा है, बहुत मॉड तो नहीं है। अच्छा। बहुत उरियानी ड्रेसेस तो नहीं पहनते। पहनना ओढ़ना इज वेरी इम्पोर्टेंट। आओ मिलके गिने। 10 बोलो। 2 बोले बाकी है। अभी तक टॉप रिस्पांस की तारीख में ये पहली बार हुआ कि 6 के 6 जवाब दुरुस्त हुए हैं। 6 बोले। Well played guys, very well played. क्या बात है, क्या बात है। ओके, अब हम आपको एक और मौका देने जा रहे हैं। अगला सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं। टॉप रिस्पांस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी फिजिकल गेम्स भी आएंगे, हो सकता है आप उसमें इनको मात दे दें। सो दिल बर्दाश्ता नहीं होना। अगला सवाल बहुओं के लिए रहा ये, वो क्या है जो बहू को मिल जाए तो वो सास को दबा देती है? शोहर की सैलरी। शोहर की सैलरी मिल जाए तो सास को दबा देती है। ओके, शोहर की सैलरी मिल जाए तो आउच।
देवरानी से दोस्ती हैं? देवरानी से दोस्ती देवरानी से दोस्ती अरे कमाल कर दिया छोटे मियां मोहसिन भाई यस सर यार पीसीआर पर पता करवाओ कोई बहू बेटी भी है तो जो बता खास बेटी है ना खास बेटी भी आपको क्या लगता है मेरा ख्याल है खानदान की तारीफ है और अगर अच्छा खाना पकाती हो तो सबका दिल अगर अच्छा खाना पकाती हो तो वो दिल जीत लेती है और सासू मां को दबा सकती है ओ कम ऑन यार मिसेस खान ने बोला कि वेरी गुड आंसर तो होना चाहिए था यार अपने को मांगता है वहां पे यस मैम पहले करवा लो जवाब से भी पहले करवा लो मोहब्बत है सर किससे मोहब्बत जब शोहर से मोहब्बत मिल जाती है सारा रोब उसके हाथ में जब वो सास को दबा देती है फिर वो गुड आंसर मतलब शोहर को असल में बस में कर लेती है हां शोहर को कर लेती है एग्जैक्टली जब शोहर जो है वो जरा काबू में आ जाता है हाँ वो जो एक वर्ड इस्तेमाल होता है जो मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि मियां बीवी की मोहब्बत एक खूबसूरत चीज होती है उसको उल्टे सीधे लफ्जों के पीछे ऐसे गंदा मत किया करें लेट्स सी इफ इट्स योर ऑर नॉट बोलो बोलो क्या हुआ सारा 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 यार ये जो अपनी ऑडियंस लेके आता ना ये बड़ा मजा आता है मुझे इसका आपको क्या लगता है ऐसा क्या है जो बहू के पास आ जाए तो वो सासू मां को काबू कर लेती है दबा लेती है come on think about it अच्छी कुकिंग अभी बोल दिया come on बहुत आसान जवाब है इसके कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जब शोहर का यकीन जीत लेती है जब उसको भरोसा हो जाता है अपने शोहर पे तो वो अपनी मां से दूर हो जाता है तो बहू को लगता है वो दबा लेगी लेट्स सी और क्या होता है इट्स ओके जी बेबी आप बताएं और ये इशारा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सास दब जाती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सासू मां दब जाती हैं ओके लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी वो हो यस मैम आपको क्या लगता है वैसे तो बचा लें अपनी टीम को वैसे तो जो है ना वो घर की जो है चाबियां मिल जाए तो काबू कर सकते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहब्बत ही मिल जाए तो फिर उसके बाद दबा सकते हैं हो गया ना हो गया ये जवाब तो फिर इसके अलावा मेरा ख्याल है आराम से सोचिए बहुत अच्छे जवाब है इसमें वो क्या है आपके हाथ ऐसा कौन सा गुर लग जाएगा आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी ऐसी कौन सी खसूसियत होगी कि आप अपनी सास को दबा लेंगे जाके एक तो कहते हैं कि अगर हस्बैंड को खाना खिलाओ जाओ तो पेट सासू ही कहती है कि पेट से रस्ते जो है वो दिल को जाते हैं और ये और वो और फलाना फलाना इफ यू आर अ गुड कुक आई थिंक ये हो चुका है तो नहीं हुआ आइए देख लेते हैं चले यही जवाब है आपका यही मान लेते हैं आइए इफ शी इज अ गुड कुक पसीने आ रहे हैं मुझे पसीने इतनी बुरी तरह हारेंगे ये कि बताओ सारा प्रॉपर्टी जब हमारी हो जाती जब बहू की जाती तो सास दब के रहने लगती है ओए तेरी समझ रहे हो सुनते हो ओके लेट्स सी अगर तो प्रॉपर्टी हाथ आ जाए और जायदाद का हिस्सा ओके वो नहीं मानेंगे भाई नहीं मानेंगे ये नहीं मानेंगे आखिरी बार आपके पास आ रहा हूं अभी तक से 20 रन हैं आपके यानी आपका टोटल जो स्कोर है वो है 50 और उनका एक राउंड का स्कोर है 60 ओके कम ऑन जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है कि बहू के पास ऐसा कौन सा हुनर गुर खसूसियत होती है कि जिसके बाद वो सासू मां को दबा सकती है थिंक अबाउट इट मेरे ख्याल में अगर बहू सास का दिल जीत ले तो वो उसको सास को अपनी तरफ कर ले सास का एग्जैक्टली बिल्कुल तो अगर वो प्यार मोहब्बत से सास को अपनी तरफ माइल कर ले तो भी वो उसको दबाकर अपनी बात मनवा सकती है और कम ऑन यार ये क्या मतलब है मैं आपके आपके साथ हूं नहीं मैं अरे माफ कर दो मुंह से निकल गया मेरे जी आपको क्या खाने बनाना आपका रोब दबदबा आपका टैका हो जाए यार बहू जड़ी है ना नहीं मत्था लाना पैसे वाली बहू यस कम ऑन यस पैसे वाली बहू Exactly. Think like that.
आप समझ आ रही है आपको, आप सब सवाल समझ आ रहा है आपको एटलीस्ट कि अगर आप ज्यादा जहेज लेके जाएंगी तो आपका वहां पे दबदबा हो जाएगा ऑलरेडी, एंट्री ऐसी धांसू होगी कि वो कहेंगे ओके इस तरह। यस आप बता दे खुदा के लिए। मेरा ख्याल है तालीम याफ्ता हो बहुत ज्यादा, तालीम याफ्ता पढ़कर आई हो, अगर बाहर से पढ़कर आई हो बहुत तालीम याफ्ता बहुत पढ़ी लिखी हो, लेट्स से बहू के पास ऐसा क्या है एक्स फैक्टर, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत बहू होती है तो सासू माँ जरा दब जाती हैं कि अच्छा यार ये तो बहुत ही कोई हसीन और जमील आ गई है। मिस्टर डी आप बताएं कितने नंबर हैं इनके, यार यार इनके वही 40 ना, पिछली बार थे 30, चलो एक बढ़ा, एक तो ऊपर आए ना ये, ओके नॉट बैड नॉट बैड, 70 मार्क्स ना, 70 हुए आप लोगों के नंबर, लेकिन कोशिश करें कि दिमाग खोल के कान खोल के आंखें खोल के समझने और सुनने की कोशिश करें, आपको सवाल समझ आएगा क्योंकि ये बहुत कॉमन जवाब मिलेंगे आपको इसमें, बहुत कोई यू नो दकीक से जवाब नहीं होंगे। हाँ पहला बेटा हो जाए तो, हाँ एग्जैक्टली यस, पहला पहली पहली औलाद बेटा हो जाए तो अच्छा, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ पीछे पूरा खानदान उससे लड़ने आ जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉट बैड नॉट बैड, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं सर, और अगला सवाल हम करते हैं टीम सास से, वो क्या है जो बहू को ठीक से लेना नहीं आता। जब बहू के यहाँ पहला बेबी होता है उसको सही से ना गोद में लेना आता है ना उसको, मैं सच के जाऊं ये है जवाब, ये है जवाब, शुक्र हमारे इतने खतरनाक सवाल का इतना माकूल जवाब दिया उन्होंने, एग्जैक्टली छोटे बच्चे को गोद में लेना नहीं आता, बिल्कुल जरूर जवाब। आपको क्या लगता है मिसेस खान कि वो क्या है जो बहू को ठीक से लेना नहीं आता? बहू को अच्छी तरह नहलाना नहीं आता, कपड़े पहनाने नहीं आते, पीठ करवाना नहीं आपके आता बेटे को? बहू को। ओके बहुत से गिले हैं मिसेस खान को, उनमें से कोई एक है इसमें, बच्चे को खिलाना पिलाना नहीं आता, नहलाना नहीं आता और इनको जवाब सही नहीं आता। ओके आपको क्या लगता है कि वो क्या है जो बहू को ठीक से लेना नहीं आता? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी नहीं लेनी आती उसे, घर की जिम्मेदारी लेना नहीं आता। मैं समझती हूँ कि ट्रे पकड़ के आना और ये जो इस तरह की अदबो आदाब। ओके लेट्स सी इफ इट्स हियर। ओके जी आपको क्या लगता है? बहू को सास का एतिमाद और फैमिली का एतिमाद लेना नहीं, लेना नहीं आता। आजकल की जनरेशन में ये चीज लैक करती है कि उनको सास का एतमाद लेना नहीं आता, फैमिली का दिल जीतना नहीं आता। यस मिसेस खान अब आपका वक्त है बोलने का। हाँ, क्या लेना आपको क्या लगता है कि बहू को क्या लेना नहीं आता ठीक से? बच्चों की परवरिश करना, उनकी सही तरबियत करना नहीं आती। नहीं हम लेने की बात कर रहे हैं। क्या लेने की बात कर रहे हैं? पीछे आ जा, पीछे दूर रह, उनके हाथ से दूर रह। ये फ्लाइंग की मार देती है। बच्चों की परवरिश करना नहीं आता। Let's see. ये कोई है दुश्मन आपका खदीस खान? ये कोई सियासत करना बता रहा? मैं हाथ के करीब हूँ ना करो। मैं बता रहा हूँ ये कोई सियासत करने के खिलाफ। आपका क्या ख्याल? बहू को क्या ठीक से लेना नहीं आता? देखें इन एनी केस आप लोग लीड पर ही हैं अभी तक, तो आराम से तसल्ली से सोच कर खेलिए, ये अभी भी हार ही रहे हैं। खाने पकाने की जिम्मेदारी। नो 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 नो, बस बस सारा बस बस बस, खाना पकाने की जिम्मेदारी लेना नहीं आप। अभी कहाँ से लूजर? अभी लीड पर है वो, लीड कर रहे हैं, लीड पे हैं, लीड पे हैं। हाँ भी आप लीड आ गए, अभी आप जीते हैं। यस मैम। सास की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना नहीं आता। सास की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना नहीं आता बहू को। ओके परफेक्ट। ओके लेट्स सी कि सर्वे क्या कहता है इस बारे में। आखिरी बचे हुए दो जवाब आप दिखाए जाएं प्लीज। शोहर का गम बांट लेना नहीं। वेरी गुड। क्या 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 मिर्जा गालिब साहब लिख रहे हैं ये बैठ कर वहां पे? शोहर का गम बांटना नहीं आता। अगला समझ रहे हैं आप?
बड़ा बड़ा ही कोई शायराना मूड में बैठा हुआ है। शोर का कौन बांटता पता नहीं कौन, कोई भी मैंने तो नहीं सुना है, और ये तो सारी मिथ्स हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं ये। अच्छा वो ना प्यार नहीं बोला। हाँ ये तो हकीकत पसंद ही नहीं है, ये तो झूठ है। चलिए छठा, अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर लेना नहीं आता, ये तो सही बात है। लेकिन नॉट बैड, नॉट बैड, जी सकते एक्सपीरियंस। क्या हुआ, आपके स्टैंड से कोई आवाज नहीं आ रही अब? नहीं आएगी, आएगी आएगी अभी आएगी, टुक टुक खेल आएगी। ओके सो बेसिकली हम यहां आन खड़े हुए हैं कि पहले राउंड पर सासें जो हैं वो बाजी ले गई हैं अभी, लेकिन तीन सेगमेंट्स और बाकी हैं, तो लेट्स सी कि बहुएं कमबैक करते हैं या नहीं। यस मैम, एक बात मैं जरूर कहूंगी, जब ये हमारी एज तक पहुंचेगी तो ये बच्चियां एक्सीलेंट सास बनेंगी। क्या बात, उनका इनका विजन बहुत ज्यादा है और ये हमसे अच्छी सासें मिल इसी खूबसूरत सी बात पर एक छोटे बकबक्स में बताएंगे और लौट कर आएंगे। वो तो फन में देखते रहिए, एक छोटे से बकबक्स के बाद लौट कर आते हैं। व्हाट द फन, वेलकम बैक टू व्हाट द फन। और अब हमारा जो अगला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है वो है श्योर शॉट। इसमें हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे अपनी दोनों टीम्स को और उनको गेस करना होगा कि वो तस्वीरें क्या हैं। आप दोनों की टीम में से कोई एक बंदा आएगा और जिससे सवाल किया जाएगा वो ही बताएगा। इन बॉल्स का मकसद सिर्फ ये है कि ये आपके हाथों में रहेंगी सो दैट आप इशारे ना कर सकें, सिर्फ आपको उस चीज के इर्द गिर्द के नाम लेने हैं और गेस करवाना है अपने कंटेस्टेंट को। सो हम टीम सात से आगाज करते हैं, आप में से कौन आ रहा है? यस मैम, प्लीज तशरीफ लाइए। और मिस्टर डी, ये बॉल्स टीम तक पहुंचाएं जरा आपकी। Yes, इनके हाथ ऑक्यूपाई कर दें ताकि ये हाथ ना हिला सके। और एक बंदा जवाब देगा जिससे पूछा जाएगा और उस चीज का नाम ले लेना। हाँ, exactly, of course, of course, of course, of course. Okay, चलिए बढ़ते हैं पहली तस्वीर की जानिब। यस सर, यस मिस खान, मुंह से बोलना है, मुंह से बताइए। Yes, next picture है, come on, मुझे बोलना, सर में दर्द, time off, yes, next picture है, खूबसूरत लगते हैं, मेकअप का कमाल सबसे पहले स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू टो, time off, yes, Mrs. Khan, बहुत बुरी तरह हारने वाले ये, yes, Mrs. Khan. Long, we don't need this. Minus 10. नहीं, अच्छा दूसरी चीज दिखाओ, दूसरी चीज दिखाओ। Okay, move on. Next picture, please. सबीन, अब आप बोलेंगे। कुकिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कुकिंग के लिए बहुत जरूरी है, उससे बगैर कुकिंग नहीं हो सकती। उसके सबसे पहले पैन चाहिए कुकिंग के लिए। बहुत बोलती हैं, बहुत तरार, सासों में सास, सबसे बड़ी सास, रिश्ते भी करवाती है। मिसेस खान, यस। अच्छा पूछ लो, एक और चांस दे दो मुझे। हाँ, आपको दे रहे हैं एक और चांस, दे रहे हैं, दे मिसेस खान को एक और चांस। क्या है ये, इसका नाम नहीं लेना, बस इसके इर्द गिर्द बताएं। नहीं, चावल में डालते हैं, खाते हैं। जब सर में दर्द होता है तो इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर तबीयत सही नहीं होती है। चाय पीते हैं? नहीं, टैबलेट लेते हैं जी? इसके बगैर हम खाना नहीं खा सकते, रोटी के बगैर खाना नहीं खा सकते, रोटी, सालन, रोटी बनती है जिसमें। नो, अरे इतना सिंपल था, रोटी बेलते जिससे खत्म हो जाती बात। बोलो ना यार, एग्जैक्टली। ओके,
आप लोगों को ये कहना, आप इसके बारे में कह सकते हैं जिससे रोटी बेलते हैं, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। रोटी बेलते हैं, इससे आसान क्या हो सकता था? तीन और तस्वीरें, तीन और चांस मिल रहे हैं खुदा के लिए, अच्छे से दीजिए ना। यस, नेक्स्ट पिक्चर क्या है? ये क्या है? जब घर से निकलते हैं, जब घर से निकलते हैं तो लगा के जाते हैं, क्या लगाते हैं? जब घर से निकलते हैं तो क्या लगाते हैं? क्या? इट्स ओके, इट्स ओके, मूव ऑन, नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर। सेफ्टी के लिए क्या लगाते हैं घर से निकलते हैं तो? आप अपने घर से निकलते हैं तो अपने घर को सेफ, अगर मिसेस ताला, हाँ, अगर मिसेस खान चुप कर ना करें तो क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? ताला। नहीं नहीं, उसने सही जवाब दिया। हाँ जी, उन्होंने सही जवाब दिया 150 साल बाद। Yes, next picture, please. सही सही, जल्दी जल्दी। चाय को उससे छानते हैं। स्ट्रेनर? Yes, 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 yes. Please, please. रोशनी घर में इसी से होती है जिससे हम स्विच ऑन करते हैं तो Oh, that was the toughest round ever. Yes, please, आइए तशीफ भाई। Not bad. Well played. Actually, मैं यहाँ से start करना चाहिए था। I swear. I swear. Okay, girls, आप में से कौन आ रहा है? Sure shot खेलने। आप ही आना चाहती हैं? Yes, please, आइए तशीफ भाई। Okay, are you ready? पीछे नहीं देखना। Okay, पीछे नहीं देखना आपने। आप लोगों की पहली तस्वीर रही ये। Come on. हम बोलो जल्दी बोलो सेना सर में आप क्या करते हैं हम सर पे सर में हम क्या करते हैं कंगी हाँ सही है ना वेरी गुड कम ऑन एक सेकंड सर में जुए निकालने के लिए कौन सी कंगी इस्तेमाल करते हैं बारीक कंगी एज सिंपल कम ऑन गाइस इतना बुरा क्यों खेल रहे हो तुम लोग नेक्स्ट पिक्चर है नेक्स्ट पिक्चर आपकी है ना क्या है ऊपर देखो ना तुम लिखा हुआ ऊपर जल्दी करो जल्दी किसने इनवाइट किया इनको नहीं वो बात सुनो बच्चे का जब सैलरी नहीं कुछ भी नहीं क्या मतलब करते हैं बोलो तो सही बच्चे का बच्चे को खाना खिलाते हुए गले में क्या बांधते हैं नैपकिन बीब 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 इट इज कम ऑन गाइस व्हाट आर यू इवन डूइंग ओह सच अ बैड टीम लेट्स मूव ऑन हम ब्रेड पे क्या लगाते हैं बटर यस बटर सारा सारा आई एम विद यू सारा 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 Come on, guys, come on. Okay. Be like Sarah. Be like Sarah. Okay. Next picture. हमारे होठ फटे तो हम क्या लगाते हैं? वो lip balm. Lip balm, yes, absolutely. Perfect. Come on, easy, 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 guys, easy. Next picture, please. हम उसके बगैर जो है ना कुछ भी फ्राई नहीं कर सकते इसके बारे में नहीं पता तुम बताओगे ये कौन है मैं नहीं बोल सकता जिससे हर कोई डरता है हर सियासतदान पे इल्जाम लगाए अभी आपको पता लगेगा बताइए इस गेस करवाइए मैम को सिर्फ क्लू देना है तो उसका शेख रशीद से पहचान जाए शेख रशीद की क्लोज फ्रेंड और शेख रशीद की दोस्त हैं पार्लियामेंट में सबसे पहले ये पहुंचती हैं I got the best answer. He said, Sheikh Rashid ki dost hai. She said, Bilawal. Ho gaya, we are done. Let's move on. Back up the show. Ek minute. Bilawal dikha bhi do. Dekho Bilawal. Harim Shah hai, TikToker hai. वो भाई ये बोल रही होली गॉड आज कहाँ जा रही हैं वापस आ जाएं बोलो वो भी गए ओके मूव ऑन अगली पिक्चर है जैनब जैनब दुल्हन क्या लगाती है अपने सर पे जूड़ा दुपट्टा बारात पे क्या लगाती है टीका झूमर यस झूमर
अगली तस्वीर रही ये। यस मैम। इसके बगैर हर खाना अधूरा है, हर चीज अधूरी है। इस झाड़ू के बगैर खाना अधूरा है। जल्दी बोले, क्या अधूरा है सवाल तो बताओ। You guys are so bad. Let me tell you guys, that's a bitter truth. जो हम काटते हैं तो बाकी आंसू निकलते हैं। तो इसके बगैर हर खाना भी तो अधूरा ही होता है। रुक जाएं, रुक जाएं। अभी मिस्टर डी ने इतना अच्छा क्यों दिया? मिस्टर डी बताएं। काटते हैं आंखों से आंसू। यही मैंने बोला। प्यास। It's as simple as that. चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। The dumbest show ever. ओए। वो क्या होता है जिसके अंदर स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, क्या कौन सी क्या कहलाती है? नहीं ना, आपने नाम नहीं दिया। आगे बढ़ेंगे। तो नहीं ना, नहीं ना। हर साल अपने लोगों को क्या चीज है जिसके अंदर हम सांप रखते हैं, स्नेक्स रखते हैं? खत्म हो गई बात ही, खत्म हो गई, टाइम ही अप हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमें बुखार होता है तो हमें क्या लगता है? सर्दी। हमें बुखार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें क्या लगता है? डॉक्टर में क्या लगा देता है? इंजेक्शन। यस 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 यस। आगे बढ़ेंगे। जिस पे हम जो है जब कोई आता है हमें देखने के लिए आती है सासे, तो हम लेकर आते हैं, चला के लेके आते हैं। ट्रॉली। हाँ ट्रॉली। यस 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 यस। परफेक्ट जी। नेक्स्ट। वो क्या है जो पिज्जा के पिज्जा में डले हुए होते हैं? पिज्जा में डले हुए। यस ऑलिव्स। यस परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्या खत्म? ओए खोए सरप्राइज। आइए तशरीफ लाइए मैम। ओके मिस्टर डी। ओके जी। सो बेसिकली मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है कि आज पहला शो जिसमें सर दुख गया मेरा। आओ मिस्टर डी मुझे सहारा दो और आओ देखते हैं कि स्कोर क्या है शोर शॉट का। अरे ओके, इतना बुरा खेल के भी आप लोग साफ स्कोर ले गए, बड़ी बात है। ओके चलिए, नॉट बैड नॉट बैड। तो अच्छा कम बैक कर लिया इन्होंने। अभी भी हमारे पास दो सेगमेंट्स बाकी हैं, तो हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग कम बैक कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो दिल मत छोटा कीजिए, लौट कर आइए व्हाट द फन में। ओके वेलकम बैक टू व्हाट द फन। और अब गेम का वक्त हुआ चाहता है, इसमें हमें आपसे बड़ी हाई होप्स हैं, लेकिन ये टीम भी सरप्राइज कर सकती है। सो आपकी तरफ से पहले कौन आएगा? बेसिकली करना क्या है आपको कि ये ग्लास जो के भरे हुए हैं पानी से आपको रोल करके, हम नहीं करेंगे, हम कोई भंड कर देंगे, क्योंकि मुझे आपसे भी कोई अच्छी तवक्को नहीं और अपने आपसे भी नहीं है मिस्टर डी, ऐसी बातें हैं। तो अब शोर शॉट में ये गेम होने जा रहा है कि इसको रोल करके ग्लास को अपने पास लाना है, ठीक है? और जिसका टूटेगा दूसरा आ जाएगा। एग्जैक्टली, जहां पे टिश्यू टूट गया वहां पे खिलाड़ी बदलना पड़ेगा। ओके कोई मसला समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए और आपका काउंटडाउन शुरू होगा। पहले कौन आ रहा है? पहले आप आ रही हैं, आ जाइए। जिस तरह से बैलेंस करके आपने अपने शॉर को खींचा ना और आपने अपने बेटे को, उसी तरह उसी तरह धीरे धीरे प्यार से तहम्मुल से। आर यू रेडी? आर यू रेडी मैम? आपका टाइम शुरू होता है अब। बस पानी नहीं गिरना चाहिए, टिश्यू नहीं टूटना चाहिए। आप जीत गए, आप जीत गए। वेट 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 वेट। जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गई हैं वो। आप जीत गए हैं। वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। आपका टिश्यू टूट गया था बहुत देर पहले, मैंने बहुत देर पहले देखा था, टूट गया था, है ना? ओह माय गॉड। वेल प्लेड, वेल प्लेड। मैंने कहा था कि आपको दूसरी टीम सरप्राइज कर सकती है और उन्होंने किया। ओके आपका वक्त शुरू होता है अब। आराम से पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, आराम से वॉच आउट, क्योंकि टिश्यू गीला हो जाएगा तो फिर तो टूट ही जाएगा। आपका ग्लास कैसे? आपका ग्लास कैसे? ग्लास आराम आराम से करना।
यार मिसेस खान, you can't ignore her expression. मुझे मार रही है. You need to see her expression. मुझे मार रही है. बहुत आला. जिस तरह कस्टमर खींचती है, इस तरह खींचती है, आराम से खींचता है. वो काम से ये भरा हुआ था. हाँ ये लो. चले कोई बात नहीं, कोई बात. अच्छा तो अभी हो गया मुकाबला, टाई. ठीक है ना मिस्टरी, वापस वापस चलेंगे. मुकाबला उन्होंने टाई कर दिया है. आइए कौन आ रहा है, आप आ रही हैं? चलिए सारा 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 रुक जा, सारा रुक जाओ. अरे 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 ओहो, एक मैच जीता ना, कैप्टन आया बता. हाँ कैप्टन, कैप्टन ने आके समझाया कि ऐसे नहीं. ओके चलिए. ओके आर यू गाइस रेडी? यस. आपका टाइम शुरू होता है. आप कम ऑन. यस. टाई हो गया, दोनों का टाई हो गया. देखिए पार आप भी नहीं कर पाए, आपका भी टिश्यू टूट गया, पार वो भी नहीं कर पाए, उनका भी टिश्यू टूट गया. इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट अबाउट द डिस्टेंस, इट्स नॉट अबाउट द डिस्टेंस. चले आखिरी को भी मौका दे ले मिस्टर डी. चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब. इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्लास वहां तक नहीं आया ना, मैंने रोल करके वहां तक रखे थे. हो गया, हो गया ना, मेरा भी हो गया. आप लोग देख चलो भाई, रोल करके यहाँ तक लाना था ना, यहाँ तक लाना था. ये वहां तक ले जाती. हाँ तो टिश्यू रोल ही वहां तक ले जाती है. भाई ये बात तो पहनी हुई थी, कहाँ तक लाना है. मिस्टर डी जी, बच्चे आप और मैं, आपको पता ना मुझे भी तो मजा आता है ना गेम खेलने का. आई लेट्स ट्राई, लेट्स जस्ट ट्राई. लेट्स सी. ओके टाइम स्टार्ट, गो अप नाउ. ओह मानिश, मानिश तेजी से खींचो. मानिश जल्दी, जल्दी पहले ग्लास खींच लो अपनी तरह. वो तो वैसे ही मास्टर रखते हैं. मिस्टर डी कम ऑन यार, कब तक आपको हार हार के दुख नहीं होता मुझसे? इस गेम में जितनी गेम्स खेली हमने आज तक, आप सारी हारे हैं. पहले तो ये माने ऑन स्क्रीन, देखिए हार के बाद ही जीत है. एड्डा तुम बाजीगर. मतलब ये कि ये आप अपना जो हेड ट्रिक इन्होंने किया इसको तोड़ना नहीं चाहते है ना. हाँ हारने की मैं आ सही रहा था, आज स्पीड से आ रहा मैंने फिर टेस्ट करा तो आपने गिरा लिया है ना. कोई बात नहीं, इट्स ओके. चलिए आगे देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या है इस सेगमेंट का. वो लास्ट वाला जीत गए थे ना, हार गए थे. हां हां ऑफ कोर्स, हां ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. मुझे लग रहा है टाई है. ठीक है ठीक है ठीक है, तो सासू मां के लिए तालियां बजाओ. बजा लो कंजूसों. वो गद्दारी नहीं करना चाहती सारा के साथ, वो इतनी लॉयल है सारा के साथ. ये दोस्त हैं आपकी? आप लोग एक साथ पढ़ते हैं? ओके नाइस नाइस नाइस. कहां पढ़ती हैं आप? इसे सर सैयद में पढ़ती हैं. चलिए एक छोटे से बक्से के बाद लौट कर आएंगे. व्हाट द फन में हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक टू व्हाट द फन। ओके, सो अब बारी है बजर बैटल की, और इसमें ये होने वाला है कि इसमें हम आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे। खवातीन, खवातीन, आर यू रेडी? ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और उसमें सबसे पहले बजर बजाकर टॉस किया जाएगा कि किस टीम की तरफ जाएंगे। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है मिसेस खान। अगर आपने एक जवाब गलत दिया तो वो सवाल दूसरी टीम के पास चला जाएगा और फिर वो पासा पलट सकता है। ठीक है, तो सारे सवाल आपके कोशिश करेंगे सही होने चाहिए। ओके, सो अपनी खिड़कियां खोलें दिमागों की, और आपकी तरफ से कौन आएगा बजर बैटल में पहले टॉस करने? सारा सारा आइए, आपकी तरफ से कौन आ रहा है? यस मैम, प्लीज आइए, तशरीफ लाइए, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो जिनको पता है कि कहां खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, सलीके आते हैं, बजा कर देख लीजिए एक बार बजर, तसल्ली कर लें। परफेक्ट। ओके, सो हाथ बटन पे रखिएगा। सवाल करने जा रहे हैं हम दोस्तों, हाथ बटन पे ही रखना, हाथ नीचे रखना। सास चाहती है बहू शादी के दूसरे दिन से ही डैश उठाना शुरू कर दे, घर की जिम्मेदारी। ओह यस, क्या बात है, सबके जाऊं आपके, निकल जाओ यहां प्लीज, तशरीफ है। ओके, सो हम खेलने जा रहे हैं टीम सास से, कम ऑन मिसेस खान। कहां जा रही हैं? नहीं नहीं, वही नहीं, वही नहीं, आप ना बजाएं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप ना बजाएं, आप लोग ऐसे हमारी तरफ बजा दीजिए। सवाल होंगे, सवाल होंगे, अब आपसे सवाल होंगे, ये टॉस हो गया, अब आपसे सवाल किए जाएंगे। ओके, सास चाहती है कि उसकी बहू हमेशा उसके डैश में रहे, उसके अंडर में रहे, अंडर रहे, ये है बात। क्या अंडरटेकर वाली बात की आपने? अच्छी बात है। अक्सर सास चाहती है कि उनका बेटा अपनी डैश की शादी ना करे, बहन की। नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं, साली की। नो नो, चुप चुप, आपस में बात नहीं करेंगे, माइनस टेन हो जाएंगे। आपने कहा बहन की, ये मुझे नहीं पता आपने क्यों कहा है, ये डीकोड करूंगा मैं घर जाके, बट ओके आपको चांस मिला क्योंकि उन्होंने गलत जवाब दिया। अक्सर सास चाहती है कि उनका बेटा अपनी डैश की शादी ना करे, अपनी साली की शादी ना करे, है ना? ਕਾਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਤਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਸ ਚਾਹਤੀ ਕਿ ਉਨਕਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਧਰ 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 ਇਨਸੇ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਣ ਇਹ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਾਸ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ, ਪਸੰਦ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਕਸਰ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। क्या कहते हो? पसंद की शादी, एक बार और कहो ना। पसंद की शादी, ऊंचा कहो, पसंद की शादी, इस तरह दीवार को सुनाओ, पसंद की शादी, पसंद की शादी, इनको सुनाओ, पसंद की शादी ना करो, मुझे सुनाओ, ऑडियंस को सुनाओ, पसंद की शादी जवाब था, नालायको। अब उधर से बहन की शादी ना करे, साली की शादी ना करे, क्या हो गया तुम लोगों को? हर बहू की ख्वाहिश होती है कि उसके ससुराल में डैश ना हो, हर बहू ना हो, नहीं ना, नहीं नहीं, मैं बताऊं क्या कहा आपने? हाँ ठीक है, ठीक है, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, उसको खुद यकीन नहीं आ रहा। हाँ, हर बहू की ख्वाहिश होती है कि उसके ससुराल में डैश ना हो, ठीक है। सास डैश करने वाली लड़कियों को बहू बनाना पसंद नहीं करती, सियासत बेवकूफ बनाने वाली लड़कियों को सासें पसंद नहीं करती। जवाब सही है आपका, लेकिन इसमें नहीं है, बारी आएगी, रिलैक्स, माइनस टेन कर दें इनके, क्योंकि इनकी बारी थी ना, इनसे सवाल करना है। हर बहू की नहीं, सास डैश करने वाली लड़कियों को बहू बनाना पसंद नहीं करती। आराम से, आराम से सोचो, तसल्ली से सोचो, सास डैश करने वाली लड़की को बहू बनाना पसंद नहीं करती। एक दकियानूसी सोच है ये, एक ओल्ड फैशन सोच है ये, कि अगर लड़की ये करेगी तो हम उसको बहू नहीं बनाएंगे। फैशन, कम ऑन मिस खान, एक ऐसी सोच है कि अगर लड़की ये करती होगी ना तो मैं इसको अपनी बहू नहीं बनाऊंगा। जुबान दराजी। जवाब सारे सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि ये हमारे उसमें नहीं है। What do you think? काम ना करने वाली। काम, exactly, exactly. जॉब अगर करती है तो बिल्कुल सही जवाब। Yes.
मैंने इसको एक्सप्लेन पहले किया था कि ये एक दकियानूसी सोच है, ये एक ओल्ड फैशन सोच है कि अगर हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस दकियानूसी सोच को खत्म होना चाहिए। यस सर। इसने काम बोला था जो आप इसके ज़हन में भी नहीं था। नहीं नहीं, काम काम, चलो काम बोला ना। काम तो वही है ना, हर बहू चाहती है कि उसको ससुराल में डैश मिले, इज्जत प्यार, हर बहू चाहती है उससे ससुराल में डैश। उनको क्या देखनी है, इधर देख, आजादी, आजादी मिले, दुरुस्त जवाब। हर बहू चाहती है उसे ससुराल में आजादी मिले, फ्रीडम मिलना चाहिए। ओके, सास को बहू का बार बार डैश जाना अच्छा नहीं लगता। मैके जाना, सबके जाओ। कुछ बहुएं शौहर के घर आते ही उनसे डैश शुरू कर देती हैं। बहस और तकरार। यस एग्जैक्टली, यस दुरुस्त जवाब। सास चाहती है कि बहू सास को जल्द से जल्द डैश बना दे, जल्द से जल्द डैश बना दे। हाय 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 हाय, अमीर बना दे। राजी बना दे। नहीं, चुप 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 चुप, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, एक ही बदला तुम्हारे को जितवाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मिसेस खान ऐसा क्या सोच रही थी अपने दिमाग में जो उन्होंने कहा कि बहू आके अमीर बना दे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बिजनेस चल रहा है जान में। सो हम यहाँ थे, हम अब यहाँ आएंगे। आपको क्या लगता है, रिपीट करें। ओके, सास चाहती है कि बहू सास को जल्द से जल्द डैश बना दे, वो दादी, दादी बना दे। यस मैम, हर सास की ख्वाहिश होती है कि किसी भी तकरीब में उनकी बहू सबसे ज्यादा डैश लगे, प्यारी लगे, प्यारी लगे। वाह, तो कॉन्फिडेंस से कहो सही जवाब है। हाँ, प्यारी लगे, प्यारी लगे। हर बहू चाहती है कि सास उस पे ज्यादा डैश ना लगाए, हुकूमत डैश ना लगाए। गौर से सुना करो। चुप चुप चुप, आपने जवाब दिया था। अब मिसेस खान की बारी है। नहीं, मिसेस खान का जवाब था। हाँ, आपकी बारी, आपकी बारी। आप क्यों इतना शर्मा रही हैं, क्या हो गया आपको? हर बहू चाहती है कि सास उस पे ज्यादा डैश ना लगाए, जिम्मेदारियां, पाबंदी। हम कहां थे? अब माइनस टेन सर। आप लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं, आपको पता है ये बात। जिसकी बारी है वो जवाब देगा। बताएं नाम। कुछ और बताना, सवाल चेंज होगा ना? नहीं नहीं, वही है। हर बहू चाहती है, हाँ वैसे इन्होंने इनके माइनस टेन हो गए ना, सवाल चेंज होगा। अक्सर फैमिली में बहू को डैश देने में ताखीर की जाती है, ये बहुत बड़ों वाला सवाल है और ये भी बहुत एक बड़ा अलमिया है, इसके बारे में भी हम संजीदगी से बात कर रहे हैं। अक्सर फैमिली में बहू को डैश देने में ताखीर की जाती है, रिस्पेक्ट। नहीं नहीं नहीं, सोचना तो जरूरी नहीं, समझ रही ना आज की में। अक्सर फैमिली में बहू को डैश देने में ताखीर की जाती है, इज्जत देने में बहुत ताखीर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जवाब नहीं है। मैं यस सारा, रिपीट तो करें। हाँ मैं, हाँ कर रहा हूँ ना, कर सारा, आप भी बोलिएगा। अक्सर फैमिली में, सुनो गौर से, सुनो तसल्ली से सुनो, फैमिली में कोई भी फैमिली ससुराल में जब बहू जाती है तो उसका एक हक होता है जो उसको नहीं मिलता टाइम पे। हक महर। यस, सास की कोशिश होती है कि बारात के दिन लड़की वाले लड़के के साथ ज्यादा डैश ना करें। बारात वाले दिन क्या क्या हो रहा होता है? बहस ना करें, रस्मों में, रस्में ना करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। दिमाग इस्तेमाल करके, कुछ बहुएं पहले दिन से ही ससुराल से डैश होना चाहती हैं। थिंक अलग अलग होना चाहती हैं। डैश मत करो, बारात, हाँ ये सोच रही हो तुम। बहू चाहती है कि ससुराल की हर दावत में उसके डैश को भी बुलाया जाए, उसके मैके वालों को, मैके वालों को बुलाया जाए। राइट। शादी के शुरू के दिनों में सास का डैश ज्यादा भारी होता है, वो एक लफ्ज होता है, कमा पलड़ा। यस यस, पलड़ा। आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, ये पूरा वन गो में गया है। आप लोगों के पास बड़े अच्छे नंबर्स हैं, आप लोग मुझे मान नहीं जाने दे रहे। वेल प्ले। कुछ सास अपनी बहू को उनका डैश कभी पहनने नहीं देती। थिंक थिंक,
सास के पास एक ऐसी चीज है जो वो कभी नहीं पहनने देगी अपनी बहू को। सास के पास है वो? कुछ सासें नॉट ऑल, कुछ सासें अपनी बहू को उनका डैश कभी नहीं पहनने देगी। जेवर, यस एग्जैक्टली। बहू सास को डैश समझती है। बहू, कुछ बहुएं इसमें भी हम, कुछ बहुएं सास को डैश समझती हैं। डायन क्या मैं हाँ हाँ नहीं 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 इसने कहा डायन इसने कहा अभी बताते हैं मिस्टर खान इसने कहा डायन ना मिस्टर खान आपको क्या लगता है कि बहू सास को डैश समझती है? इस डैश में क्या आता है? माँ समझती है क्या बात है। Yes, sir. सास को लगता है कि उनकी बहू उनके बेटे को उनसे डैश करना चाहती अलग करना चाहती है। बहू अपनी सास से उसका डैश ले लेती है। बेटा यस बहुत सिंपल। शाबाश, अच्छा कम बैक। हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसी के डैश पे चले, नक्शे कदम पे चले। सास बहू की लड़ाई में अक्सर बेटे डैश की साइड लेते हैं, अक्सर बेटे बीवी की साइड लेते हैं। अब देखें, अब इसका जवाब तो फिर ऑब्वियस है यार। पाकिस्तानी बच्चे वैसे माँ की साइड ज्यादा लेते हैं, है ना? हाँ, माँ की साइड लेते हैं, लेकिन जवाब ये गलत है। मैं उनसे पूछ नहीं सकता, एक ही जवाब है उसके, वो माँ बोल देंगे, वो माँ बोल देंगे। तो ये जवाब हो गया कैंसिल, लेकिन हम इधर आ गए। अच्छा, ओके, बीवी की साइड लेते हैं। सास और बहू दोनों चाहती हैं कि पहला डैश हो बेटा हो। यस, राइट आंसर। सास का बहू पर हर वक्त डैश रखना अच्छा नहीं लगता। बोलना मत। पहले सोच लो, सास का बहू पे हर वक्त डैश रखना अच्छा नहीं लगता। सोचो ना यार, बोलना नहीं आता मुझे अल्फाज। हाँ, इतना आसान है कि आपको बोलना आता है? डिस्कशन भी कहा नहीं, उसने कहा जवाब नहीं बता रही। बताओ पहला आराम से सोच लो, क्या नहीं अच्छा लगता बहू को? क्या अच्छा नहीं? बस जोर, मतलब हक में चलाना नहीं। हम कहाँ थे? चलो, नहीं होता ना, जवाब दिया था आपकी बारे। आपका मसला क्या है? कैमरा शाय है क्या? अच्छा जी, चुप। सास का बहू पर हर वक्त डैश रखना अच्छा नहीं लगता। नजरें रखना, एग्जैक्टली। जवाब आपके सारे सही हैं। कंफ्यूज आप पता नहीं क्यों हैं। सास डैश करने का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देती। बुराई भी, गीबत जो भी। मिसेस खान जैसे नहीं जाने देती ना। सास डैश करने का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देती। बेइज्जती। नहीं, सास डैश करने का मौका, तंज करने का मौका। यार कम ऑन, क्या बात। अरे, इसके साथ ही सवाल खत्म हो गए भाई। ये भी नहीं पता चला आज तो रिश्ता। आप इसी पर ही अब आप करें, है ना? आप क्या करें? नहीं, इसी पर अब आप जजमेंट दे दें। जी बिल्कुल, ये खत्म हो गया। अब आखिरी फैसला ही आने वाला है, और हमें देखना है कि आखिरी रिजल्ट पूरे शो का लुब्बे लुबाब क्या है। Let's see, कौन जीता, सासू माँ या फिर तुम लोगों को लग रहा है तुम जीत गए? आखिरी राउंड से लग रहा है ना तुम लोगों को? आखिरी राउंड से, वैसे हाँ, मुझे भी ये फील आ रही है कि आखिरी राउंड शायद ये जीत चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने आखिरी राउंड बहुत अच्छा खेला, लेकिन इन्होंने भी पकड़ लिया था बीच में। हाँ, एक पूरा चंक गया था जिसमें इन्होंने कोई गलत जवाब नहीं दिया था। सो लेट्स सी के फाइनल रिजल्ट क्या है भाई शो का। हमेशा सास की होती है सर। जीत हमेशा सास की है सर, क्योंकि सास
एक माँ भी है और जीत हमेशा माँ की होती है। क्योंकि सास भी कभी मैं इंतजार कर रहा था कि आप ये जुमला जरूर कहेंगे, क्योंकि ये इतना मेन स्ट्रीम जुमला है, मैं इसके चक्कर क्यों काट रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, पागल कर दिया आज किशोर। ओके सो विनिंग टीम से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ लाए। Guys, hope you guys had fun. Thank you so much for being great audience. Thank you for coming. Thank you. And aap log dekhte rahiye What the Fun. Agle hafte aapse dobara mulaqat hogi. Allah Hafiz. What the fun? What the fun?